कई दिनों से सुर्खियों में चल रहे पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़े घमासान में ज्योति मौर्य खुद सामने आई और उन्होंने अपने पति के हर आरोप का खुलकर जवाब दिया। न्यूज 18 से बातचीत में ज्योति मौर्य ने आलोक पर एक बार फिर झूठ बोलने का आरोप पड़ा और आलोक मौर्य के लगाए सारे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। न्यूज 18 से बातचीत में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने एक बार फिर पति आलोक पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि आलोक के सफाई कर्मी होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से आलोक ने उन्हें अंधेरे में रखकर शादी की थी उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है, ठीक है, वो जो भी था उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला। एक रोज पहले ही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का एक कार्ड भी सामने आया था जिसमें आलोक मौर्य के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा दिखाई दिया। इसी आधार पर एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक पर धोखा देने का आरोप मढ़ा और अब एक बार फिर न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने अपने आरोपों को दोहराया। लेकिन इस बातचीत के दौरान पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने किसी के साथ संपर्क में होने के सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले ही उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर किसी दूसरे के लिए धोखा देने और 12 साल के रिश्ते को ठोकर मारने का आरोप लगाया था और उनका यह भी आरोप था कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने परिवार से मुंह मोड़ लिया। सबूत के तौर पर आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य की व्हाट्सएप चैट भी सार्वजनिक की थी जिसके आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ वो 2020 से ही संपर्क में है। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य ने आलोक के इन आरोपों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पर्सनल मैटर बताया मैंने, मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी आलोक के ये सब कहने से पहले से ही मेरा मैट्रिमोनियल केस चल रहा है कोर्ट में। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि आलोक के साथ उनका रिश्ता खत्म हो चुका है और उनके तलाक का केस कोर्ट में है। और आलोक मौर्य का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात उनकी पत्नी ज्योति मौर्य होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रचने में जुटी हैं ताकि उन दोनों के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाए। और आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उनकी पत्नी ज्योति मौर्य किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या करवाना चाहती हैं। मेरी पत्नी से मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सब फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यही नहीं, पंचायती राज विभाग के कर्मचारी आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य पर फोन करके धमकी देने का भी आरोप लगाया। उनका आरोप है कि ज्योति के इशारे पर उनके भाई सचिन मौर्य उनकी हत्या करने की ताक में। हालांकि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसी बीच न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य के पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाने के दावे पर तंज कसा, क्योंकि कुछ रोज पहले आलोक ने यह दावा किया था कि उन्होंने पत्नी ज्योति को अफसर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और उनका दावा है कि उस दौरान वो भयंकर आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पत्नी ज्योति मौर्या को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलोक मौर्या के मुताबिक पढ़ाई के दौरान उन्होंने ज्योति को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्या ने आलोक के इस दावे पर तंज कस दिया। ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के मुताबिक आलोक मौर्या ने उनका सहयोग किया जो हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है, लेकिन उन्हें कामयाबी अपनी मेहनत के दम पर मिली। जबकि आलोक मौर्य ने यह दावा किया था कि पत्नी ज्योति मौर्य को उन्होंने अपने दम पर पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बनाया। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं और 2010 में उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। 2015 में उनके जुड़वा बच्चे भी हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान आलोक मौर्य ने बताया कि ज्योति आगे की पढ़ाई करना चाहती थी जिसके बाद वो उन्हें लेकर प्रयागराज चले आए। उनका दावा है कि पैसे नहीं होने के बाद भी उन्होंने ज्योति की पढ़ाई नहीं रुकने दी थी। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। आलोक के मुताबिक ज्योति मौर्य के पीसीएस अधिकारी बनने तक सब कुछ ठीक था, यहाँ तक कि खुद ज्योति ने भी अपनी कामयाबी के लिए अपने पति आलोक और ससुर को श्रेय दिया था। लेकिन आरोप है कि अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य ने पति और परिवार से मुंह मोड़ लिया। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य पर पलटवार करते हुए उन पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक 2016 में एसडीएम बनने के बाद से ही आलोक और उनके परिवार के लोग उन्हें परेशान करने लगे और ज्योति मौर्य का आरोप है कि उन्हें बात बात पर ताना मारा गया। उनका यह भी आरोप है कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद आलोक का रवैया बदल गया। यही नहीं, उन्होंने पति आलोक और उनके घर वालों पर कई साल तक उन्हें प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक को ये बात पच नहीं रही थी कि उनकी पत्नी कैसे एसडीएम बन सकती है, इसी वजह से वो उन्हें परेशान करने लगे जिससे तंग आकर उन्होंने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। और तो और न्यूज 18 से बातचीत में एसडीएम ज्योति मौर्य ने पति आलोक पर पति पत्नी के झगड़े को सार्वजनिक करने का भी आरोप मढ़ दिया, क्योंकि पिछले दो हफ्तों से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच का विवाद सुर्खियों में।
और ज्योति मौर्या का आरोप है कि इन दो हफ्तों के दौरान आलोक मौर्या ने उन पर कई झूठे आरोप लगाए। न्यूज 18 से बातचीत में एसडीएम ज्योति मौर्या ने कहा कि पति आलोक के साथ उनका झगड़ा एक सामान्य झगड़ा था जो हर पति और पत्नी के बीच होता है, लेकिन उनका आरोप है कि आलोक ने पति पत्नी के झगड़े को सार्वजनिक कर दिया। कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है, इंसान अलग होने के लिए लीगली मैं तो प्रोसेस कर रही थी, बट उन्होंने छोड़िए कोई बात नहीं। न्यूज 18 से बातचीत में ज्योति मौर्या ने ये दलील दी कि पति पत्नी के बीच तलाक का ये मामला कोई पहला केस नहीं है। उनका आरोप है कि आलोक ने जिस तरह उनके 12 साल के रिश्ते को सार्वजनिक किया उससे उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। लेकिन इसी बीच आलोक मौर्या ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्या पर नया आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि ज्योति मौर्या उन्हें उनकी बेटियों तक से मिलने नहीं दे रही, जबकि बार बार वो उनसे अपनी बेटियों से मिलने देने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन उनकी लाख मिन्नतें करने के बाद भी एसडीएम ज्योति मौर्या का दिल नहीं पिघला। आलोक मौर्या का आरोप है कि ज्योति मौर्या अपने पद का गलत इस्तेमाल कर उन्हें उनकी बेटियों तक से मिलने नहीं दे रही। आलोक मौर्या के मुताबिक ज्योति मौर्या से उनकी 2010 में शादी हुई थी। 2015 में ज्योति मौर्या ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। आलोक का आरोप है कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उन्हें ठोकर मार दी और अब वो जानबूझकर बेटियों को उनके पिता से मिलने नहीं दे रही। मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। हालांकि ज्योति मौर्या ने न सिर्फ पति आलोक मौर्या के आरोपों को खारिज किया बल्कि उन्हें झूठा तक बता दिया।